हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बिग बैश लीग के 2019 और 2020 सीजन के बारे में, जो कि अभी दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। इस साल काफी सारे ट्रेड्स हुए टीमों के बीच में, और आज इस वीडियो में मैं उन्हीं चीजों को कवर करने वाला हूं, जो जो मेन मेन ट्रेड्स हुए हैं, जिन जिन मेन प्लेयर्स से ट्रेड्स हुए, आज इस वीडियो में आपको उन सबके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला ट्रेड हुआ है वो शॉन मार्श के लिए। शॉन मार्श ऑस्ट्रेलिया के एक वेटरन ओपनर प्लेयर है, जो कि स्टार्टिंग से पर्थ स्कॉचर्स के लिए खेल रहे, पर इस सीजन वो पार्ट होंगे मेलबर्न रेनेगेड्स का। मेलबर्न रेनेगेड लास्ट सीजन की चैंपियन है, और शॉन मार्श एक बहुत बड़ा एडिशन हो सकते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम में। आपको शॉन मार्श एरोन फिंच के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो अगली ट्रांसफर के बारे में बात आती है, तो वो हो रहा है कैमरन व्हाइट के लिए। कैमरन व्हाइट को हम सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के काफी वेटरन प्लेयर हैं। लास्ट सीजन वो मेलबर्न रेनेगेड्स का पार्ट थे, पर इस बार वो पार्ट होंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स का। इस बार वो एडिलेड स्ट्राइकर्स के आपको और से खेलते हुए दिखेंगे। एडिलेड स्ट्राइकर पिछले सीजन की चैंपियन रही है, तो वो भी काफी अच्छी टीम है, और कैमरन व्हाइट पिछले साल के चैंपियन रहे मेलबर्न रेनेगेड्स से, तो काफी अच्छा एडिशन वाले कैमरन व्हाइट भी। अगले प्लेयर आते हैं हिल्टन काइटराइट, जो कि पर्थ स्कॉचर्स के एक मिडल ऑर्डर के बैट्समैन, एक काफी टैलेंटेड यंग प्लेयर हैं, काफी अच्छा खेलते हैं। इस बार वो खेलेंगे मेलबर्न स्टार्स की तरफ से। मेलबर्न स्टार्स की टीम पिछले साल का फाइनल हार गई थी। काइटराइट पर्थ स्कॉचर्स के काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, और मेलबर्न स्टार्स को काफी अच्छा प्लेयर मिला हिल्टन काइटराइट के रूप में। अगले प्लेयर आते हैं नेथन कुल्टर नाइल एक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, T20 के एक जेन्युइन विकेट टेकर है। वो हमेशा पर्थ स्कॉचर्स का पार्ट रहे थे, पर इस बार वो खेलेंगे मेलबर्न स्टार से। तो मेलबर्न स्टार से पर्थ स्कॉचर्स से दो बहुत बड़े प्लेयर खरीद लिए, जो कि हिल्टन कार्टराइट और आपके नेथन कुल्टर नाइल। तो नेथन कुल्टर नाइल के आने से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाला है मेलबर्न स्टार्स की बॉलिंग लाइनअप को। अगले प्लेयर आते हैं जैक्सन बर्ड भी काफी अच्छे एक्सपीरियंस राइट आर्म पेस बॉलर हैं। वो पिछले साल तक खेलते थे आपके लिए मेलबर्न स्टार्स की तरफ से, पर इस बार उनका ट्रांसफर हो गया है सिडनी सिक्सर्स के अंदर। तो मेलबर्न से सिडनी चले गए हैं। सिडनी सिक्सर्स के ऑलरेडी काफी अच्छे पेस बॉलर्स हैं, तो अगर उसके जैक्सन बर्ड भी जुड़ जाएगा तो काफी अच्छी बात होने वाली है। तो जैक्सन बर्ड इस साल खेलेंगे सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। अगले प्लेयर आते हैं फवाद अहमद को बिग बैश लीग का वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर माना जाता है, और मैं उनको वर्ल्ड कप में अंडररेटेड स्पिनर मानता हूं। और इस बार वो खेलने वाले पर्थ स्कॉचर्स की टीम से। वो स्टार्टिंग से सिडनी थंडर का पार्ट रहे, पर इस बार पर्थ स्कॉचर्स की टीम में जाएंगे, और पर्थ स्कॉचर्स की टीम को बहुत अच्छा प्लेयर मिला है फवाद अहमद के रूप में। फवाद अहमद एक जरूर से जेन्युइन वर्ल्ड क्लास प्लेयर होंगे पर्थ स्कॉचर्स के लिए। अगले प्लेयर आते हैं कर्टिस पैटरसन रहे सिडनी थंडर की टीम का पार्ट, पर इस बार वो खेलने वाले पर्थ स्कॉचर्स की टीम से। तो पर्थ स्कॉचर्स को सिडनी थंडर से फवाद अहमद के बाद एक और काफी अच्छा प्लेयर मिला, जो कि कर्टिस पैटरसन एक काफी अच्छे बैटिंग ऑर्डर प्रोवाइड करने वाले पर्थ स्कॉचर्स को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड जो कि हुए बिग बैश टीमों के बीच में। बिग बैश के अंदर कोई ऑक्शन जैसा कुछ पार्ट नहीं होता, कुछ ट्रेड्स ही होती हैं बीच में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रेड थी जो कि इस साल के बिग बैश सीजन के लिए अब तक हो गई हैं। आगे कोई ट्रेड होगी तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, पर अब तक यही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हुई बिग बैश के अगले सीजन के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो को पसंद जरूर से आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।